Hey everyone, welcome back my YouTube channel. कैसे हो आप सब? तो आज एक खरना और मैं जा रही हूँ सब जगह प्रसादी खाने के लिए. और हमें यहाँ पे बिहार में नाक से सिंदूर पहनने का रिवाज होता है, तो मैं पहनी हूँ नाक से सिंदूर. अच्छा स्माइल कीजिए. क्या लग तो भगवान ही लग रहा है. हाँ बहुत क्यूट दिख रहा है भाई साहब. मम्मा भी भगवान की बन गई. दादी के पास ना अब ठीक लगा जी? चलिए ना बिट्टू दादी का भी आपको लगेगा. मैं बिट्टू दादी का चल गया. चल गया लिया टिकन लिया है. दादी है ना टिकन. अब मेरे पास सबको दे. तुम्हारी दादी मैचिंग मैचिंग हो गया है. आगे से भी ले लो. प्रसादी ले ली हूँ. देखें रुचि थी नहीं, टेंशन नहीं था. वीडियो बना लिया इससे अपना. इसी इनके घर में संकोच है ना, हाथ बना लिए. कितना अच्छा घर बना है जी. सोफा वोफा सब चीज ले लिया जी. अच्छा डेकोरेशन कर दिया है. हम तो पहली बार आए. शादी है जी? हाँ शादी. माँ शादी में तो नहीं था इस तरह. शादी में तरह नहीं था. नहीं तो शादी में तरह सोफा पर नहीं था. ये नया लिया है सोफा का. आगे नहीं था इस तरह जी. मॉर्निंग गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू सोयाबीन की बड़ा लहसुन प्यारा प्याज की सब्जी, क्योंकि छठ पर्व है ना इसके लिए. पानी मेरे गर्म है, इसमें नमक डाल के सोयाबीन डाल देंगे. गाइस इसमें मैं सोयाबीन डाल के इसी माल डाल देता हूँ. डाल के मसाला वसाला डाल देती हूँ. नमक गरम मसाले थोड़ा सा पाउच वाले टमाटर जी बनकर मैं रेडी हो चुके हैं. उसमें मैं एक पास से कस्तूरी मेथी और पाउच वाला गरम मसाला डाल दिया, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है. देख सकते हैं ये मैं चावल भी बना ली हूँ. ये हमारा रोटी बन के रेडी है. We'll be right back.
एवरीवन, तो मैं अभी आ चुकी हूँ डैम से। डैम पे बहुत ज़्यादा भीड़ था गाइस। मैं मोबाइल से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं कोई मोबाइल छीन के ना चला जाए। ये शाम का अरग का वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मैं ये वीडियो डालूँगी, तो आप प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा गाइस। और मैं आप लोग को फुल वीडियो दूंगी। कल का भी है, सुबह मॉर्निंग उठूंगी 3 बजे और मैं अरग डालूंगी, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़। और मैं आज गाइस कैसा कलर का साड़ी पहनूं देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर का साड़ी है, अब मैं अपना साड़ी खोलूंगी, ड्रेस चेंज करूंगी, उसके बाद बनाऊंगी चाय, उसके बाद बनाऊंगी खाना। और अब मिलती हूँ मॉर्निंग में।